नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं रितु रिवा के बारे में। लेकिन उससे पहले हम टॉप 15 जो कंटेस्टेंट है वो देखेंगे। पहले टॉप 14 इन्होंने बोला था कि भाई टॉप 14 आएंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने टॉप 15 कर दिया। लेकिन ये टॉप 16 भी कर सकते थे, क्योंकि गाइज रितु रिवा बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कंटेस्टेंट में से एक थे। आगे हम पूरी डिटेल जानेंगे इनके बारे में और बहुत कुछ आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम टॉप 15 कंटेस्टेंट देख लेते हैं, जिसके अंदर गाइस पहले नंबर पे हैं शिवम सिंह, जो कि बहुत सही कंटेस्टेंट है, इनके बारे में हमने बात कर ली है। ऋषि सिंह कमाल के कंटेस्टेंट है, नो डाउट। उसके बाद देवो सुमिता, नवदीप बडाली के बारे में सबको पता है भाई, कितने मजे हुए कलाकार हैं वो। उसके बाद संजुति दास, सोनाक्षी कर, चिराग कोतवाल, विनीत सिंह, नेक्स्ट विदिप्ता चक्रवर्ती। उसके बाद नाम आता है गाइस काव्या का, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। नेक्स्ट नाम आता है संगम और अनुष्का पात्रा का। उसके बाद संचारी सेन गुप्ता, और जो लास्ट नाम है वो है गाइस रूपम भंडारी का। तो ये हैं टॉप 15 कंटेस्टेंट, जो कि काफ़ी सही हैं, किसी में भी कोई भी डाउट नहीं है कि भाई इनको क्यों लिया गया। लेकिन एक कंटेस्टेंट है जिस जो डिजर्व करता है इंडियन आइडल में आना, लेकिन उसको नहीं लिया गया। मुझे क्या लगता है रितु रिवा के बारे में, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, वो एक इंडिविजुअल सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, सॉन्ग खुद से लिखते हैं और उसके बाद उसको गाते हैं। बहुत कम सिंगर्स आपको देखने को मिलेंगे, बकाए इंडियन आइडल में कोई भी ऐसा सिंगर नहीं है जो खुद गाए, यानी खुद सॉन्ग लिखे और उसके बाद उसको गाए। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन इंडियन आइडल ने अभी इसको समझा नहीं है। हो सकता है कि बाद में रितु रिवा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, अगर लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनको बार बार लिखते हैं कि भाई रितु रिवा को वापस इंडियन आइडल में आना चाहिए। आपको बता दूं, जजेस के सामने चार कंटेस्टेंट खड़े हुए थे, के अंदर विनीत सिंह, चिराग कोतवाल और ताबिश, जो कि मोहम्मद दानिश के भाई हैं, और एक कंटेस्टेंट और खड़े हुए थे, यानी कि रितु रिवा। और जब जजेस ने बोला कि भाई सिर्फ दो जाएंगे, दो नहीं जाएंगे, तो मतलब सोचने में मजबूर हो गए लोग, भाई किन को ये लेंगे। उसमें से विनीत सिंह और चिराग कोतवाल को ले लिया गया, और भाई ताबिश और रितु रिवा को निकाल दिया गया। अब देखो, ताबिश की मैं बात कभी और किसी वीडियो में करूंगा, लेकिन रितु रिवा को निकालना इंडियन आइडल के लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम कह सकते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग ये कंटेस्टेंट थे मेरी नज़रों में। और अब क्या ही बोलूँ यार, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेसिकली चल क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, मैं एक महीने से भी ज़्यादा इंडियन आइडल के बारे में बता रहा हूँ। जब ऑडिशन निकले, जब से ही मैं बता रहा हूँ कि भाई ऑडिशंस निकल गए, आप ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई एज ग्रुप क्या है, यानी 1 से 30 तक का एज ग्रुप था। अगर आपके एज 30 से एक भी महीने प्लस है, तो फिर आप ऑडिशन नहीं दे सकते। वहीं मैं आपको एक टर्म्स कंडीशन दिखा देता हूं, आप इसमें देख सकते हैं, एज साफ साफ लिखी है 1 से 30। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई विनीत सिंह क्यों आए, क्यों लिया गया, क्या है, क्या डिजर्विंग नहीं है या नहीं, ये बात नहीं कर रहा। विनीत सिंह भाई बहुत सही कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो और आगे जाए, बहुत सही करे, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और विनीत सिंह क्यों नहीं जाएंगे, कोई भी कलाकार होगा अगर इंडियन आइडल वाला बुलाएगा तो भाई वो जाएंगे, उनको चाहिए फेम नेम तो वो जाएंगे। तो विनीत सिंह के केस में भी यही है कि भाई वो तो जाएंगे अगर इंडियन आइडल वाले बुलाएंगे, लेकिन अगर आपकी गाइडलाइन में लिखा है कि भाई 30 साल वाले ही ऑडिशन दे सकते हैं, 30 से ऊपर नहीं दे सकते, तो आपको अपनी उस गाइडलाइन पे रहना चाहिए, अपनी उस टर्म्स कंडीशन के ऊपर आपको टिकना चाहिए। मेरा बस यही सोचना है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। मैंने इसके ऊपर एक बार और बात करी थी विनीत सिंह के ऊपर, ये वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि भाई बेसिकली किसी भी सिंगर की इसमें कोई गलती नहीं, भाई विनीत सिंह हो या कोई भी पॉपुलर सिंगर हो, वो हर कोई चाहेगा कि भाई इंडियन आइडल में उसको मौका मिले, वो जाए अगर वो अलाउ करते हैं। लेकिन 100 वालों की गाइडलाइन का क्या वो बस ऐसे ही थी, नाम की थी। एक बात और बोलना चाहूँगा, देखो ये सब जानते हैं स्क्रिप्टेड है होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है इनमें, लेकिन जब रितु रिवा की बारी आई अपना परफॉर्म करने की, तो हिमेश सर ने बोला कि आप खड़े खड़े कोई भी गाना बना सकते हो, तो आप सॉन्ग गाओ, किसी एक टाइटल के ऊपर दिया था, आप एक बार एक क्लिप देखिए, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। कोई गाना अभी इसी वक्त अगर 2 मिनट में तुम्हें दिया जाए कि इसी वक्त कोई सिचुएशन पे तुम एक गाना बना दो, तो क्या तुम बना सकते हो? देखो बहुत सारे लोग इसी लाइन को लेकर बोल रहे हैं कि भाई
हिमेश सर ने बोला कि भाई दो मिनट के अंदर कोई भी इस सिचुएशन के ऊपर आपको गाना बनाना है, क्या आप बना सकते हैं? तो रितो रिबा ने अभी इसी टाइम ये सॉन्ग बनाया था और गाया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि भाई वो इतना डिजर्विंग नहीं लगा। और अगर और कंटेस्टेंट्स की तरह इनको भी टाइम दिया जाता या और कंटेस्टेंट की तरह ये भी प्रैक्टिस कर पाते पूरे एक वीक के अंदर, तो ये बहुत अच्छा करते, ऐसा लोगों का कहना है और ये बात मैं भी मानता हूँ। बट बहुत सारे लोग इसी के अपोजिट में यही बोलते हैं कि भाई ये स्क्रिप्टेड होता है, इसमें ज़्यादा चक्कर मत पड़ो। रितो रिबा ने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी थी, बस ये इस तरह से इनको बोलना था, उसके बाद ये जो ये सॉन्ग इन्होंने बनाया ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ सॉन्ग है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो ज़रूर बताना। बेसिकली आपको क्या लगता है, क्या ये गलत है या फिर सही है, या फिर वास्तव में रितो रिबा ने सिर्फ दो मिनट्स के अंदर ये सॉन्ग बनाया है? अगर सिर्फ दो मिनट्स के अंदर बनाया है हिमेश सर के कहने पे, तो भाई कहीं ना कहीं ये जो गेम है अनफेयर है रितो रिबा के लिए, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए था पूरे के पूरे एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करने का, और उनको शो से बाहर नहीं होना था। आप क्या सोचते हैं? बेसिकली अगर पब्लिक की डिमांड रहती है रितो रिबा कम बैक वापिस आएँ, तो वो डेफिनेटली आपको इंडियन आइडल में देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बस अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके लिखिए कि भाई रितो रिबा कम बैक इन इंडियन आइडल, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं लिखना। अब हम चलिए बात करते हैं कुछ और एक्साइटेड चीज़ों के बारे में, जिसमें हम कंपेयर करेंगे दो दो सिंगर्स को। तो चलिए देखते हैं और आपको बताना है कि भाई कौन सा सिंगर सबसे बेस्ट है। ये वर्सेस होने वाला है प्रीतम और अनुष्का पात्रा के बीच में, और आपको कमेंट करके बताना है कि भाई अनुष्का पात्रा अच्छा गा रही है या फिर प्रीतम। इंडियन आइडल स्टेज को आपके ही जैसे टैलेंट का इंतजार है। तो गाइस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए प्रीतम की आवाज़ सबसे अच्छी है या परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, या फिर अनुष्का पात्रा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। परफॉर्म वाइज किसका अच्छा है, वॉइस वाइज भी बता सकते हैं, परफॉर्मेंस के वाइज भी बता सकते हैं। और रितो रिबा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइए, क्या वो वास्तव में डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे या फिर नहीं, क्या गेम फेयर चला या फिर नहीं, क्या ये टॉप 15 कंटेस्टेंट सही हैं या और कोई भी आना चाहिए था, वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। इसी तरह से मैं सिंगिंग से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आपको देता रहता हूँ, चाहे वो इंडियन आइडल से रिलेटेड हो या फिर सारेगामापा से रिलेटेड हो। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई नेहा कक्कड़ और फाल्गुनी पाठक के बीच में क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही, तो ये वाली वीडियो हमारी जरूर चेकआउट कीजिए।